मित्रा फाइनेंस कंपनी फील्ड में ऑफिसर का काम करने वाले सोनवीर ने फर्जी लूट दर्शाकर कंपनी की वसूली की गई रकम 2 लाख से ऊपर पेपर की लूट की रिपोर्ट बिजोई थाने में लिखवाई थी। वहीं मामले की जांच में लेने के पर पुलिस को कंपनी के लिए वसूलने वाली रकम सोनवीर से ही संदेह लगा। पूछताछ में करने पर आरोपी ने अपने साथी से साथ मिलकर लूट को अंजाम देने की घटना को कबूल किया। वहीं पुलिस अब आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड तलाश रही है। पुलिस को शक है कि इन लोगों ने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया। फिर बाद में टेक्निकल साइबर सेल का सहायता लेते हुए और इससे जब अच्छे से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो घटनाक्रम सामने आया। इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया था और एक झूठी कहानी बना के कंपनी के 2,10,000 रुपये हड़प लिए। चूंकि कंपनी का ये रहता है, जो फाइनेंस कंपनी, इनका इंश्योरेंस रहता है, तो कंपनी भी FIR हो जाने के बाद ये रहता है कि पैसे मिल जाएंगे। परंतु इसने अपने साथी जो कि आगरा का रहने वाला था उसके साथ मिलकर ये फर्जी कहानी जड़ी और बिजोली थाना प्रभारी एडिशनल SP SDOP ने काफ़ी मेहनत से इसमें पूछताछ करते हुए पूरा पैसा बरामद किया, मोटरसाइकिलें बरामद की और इनके मोबाइल फोन बरामद किए। और घटना दिनांक को जब ये बता रहे हैं उस वक्त इसका ये जो साथी था ये वहीं मौके पे आया था और उसके बाद पैसे लेके चला गया था। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया।